हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको वीडियो के टाइटल से तो पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। इवन अभी भी मैं बोलने के समय अंदर से पूरी कांप रही हूँ। तो बहुत लोग को ऐसा लगा होगा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल नोज अबाउट दिस। मेरे फैमिली, अर्णव की फैमिली एंड फ्यू आउटसाइड द फैमिली पीपल नोज। सो सांस अभी भी बहुत हैवी हो जा रही है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो ये हुआ था लास्ट ईयर, लाइक मोर देन 1 ईयर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब बनाऊँ वीडियो या ना बनाऊँ वीडियो, बिकॉज इट्स अ टैबू इन इंडिया। बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बट जब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी ना, तो मैंने लिटरली यूट्यूब में वीडियो देखा था, बिकॉज जो उसके साथ हुआ है ना वही आपको समझ सकता है। तो यूट्यूब के जो व्लॉग्स और ये वीडियोज पे ना काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते पीपल, एंड इन बींग अ इन्फ्लुएंसर तो मैं वीडियोज ही थोड़ा देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस हैं, बहुत कुछ है। तो लाइक आउट ऑफ इंडिया बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं ओपनली, बट इन इंडिया मतलब ये चीज़ को ऐसे बोले नहीं ये गलत है, ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बट ऐसा नहीं बात करना चाहते हैं, इस चीज़ को छुपा लेते हैं। इवन मैंने भी किया, ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं। तो बहुत लोगों को जब ये वीडियो आएगा तो लोगों को शौक लगेगा कि ये कब हुआ, इसने लता के साथ ऐसा भी हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको इस बारे में इसको बताया भी नहीं। सॉरी फॉर दैट। बहुत सारी ऐसे इधर उधर की बातें करने से पहले लेट्स स्टार्ट द मेन थिंग, हाउ इट हैपेंड। सो इन 2021 तो सितंबर में एक्चुअली मुझे पता चला था। तो वी वर नॉट प्लानिंग एनीथिंग, इवन जीवा भी 1.5 साल की भी नहीं हुई थी। तो वी वर लाइक अगर सेकेंड बेबी करना है तो वी विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 2 ईयर्स जब वो हो जाए, थोड़ा सा समझदार हो जाए, उसके बाद ही हम करेंगे। तो इट वॉज नॉट एट ऑल प्लान्ड, एवरी लाइक प्रिकॉशन यू से इट वॉज टेकन, बट भगवान को मर्जी था तो हो गया। एंड जस्ट मैं हॉलीडे से आई थी, समय मैं जयपुर घूमने गई थी, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैं जयपुर घूम के आई। एंड माई पीरियड्स नेवर गेट डिलेड, हमेशा ऑन टाइम रहती है। लाइक अगर मुझे आज 20 को आया ना, तो नेक्स्ट मंथ वो 15-16 को आ ही जाएगी। जीवा के डिलीवरी के बाद भी मेरे साथ एक या दो बार ऐसा हुआ था कि मेरे पीरियड्स स्किप हुए थे, एंड तब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं आया था, नेगेटिव आया था। इवन डॉक्टर के पास भी गई थी मैं, तो मेरी गायनेक ने बोला कि एवरीथिंग इज फाइन, वो हो जाता है, थोड़ा कंटिन्यूटी में इशू आता है। तो दिस टाइम वी थॉट अगर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन इस टाइम मोर देन 1 ईयर हो चुकी है जीवा। हमने सोचा कि पहले जैसे पीरियड मिस हुआ था तो उस तरीके से हुआ होगा, मे बी बॉडी इस चेंजेस को अभी रिकवरी कर रही होगी। उस समय मेरा ना कोविड का सेकेंड डोज ड्यू था, तो मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट। जब मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट को जब मैंने दिखाया था ना, तो मुझे एक एडिशनल मेडिसिन दिया गया था, आई थिंक वो शायद ब्लड को थिक ना करे, इस वजह से ऐसा कुछ था। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ मेंशन की कि मैंने उसी समय ही अपना कोविड का कोविशील्ड सेकेंड डोज लिया था। उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड इट केम आउट पॉजिटिव। सो वी वर इन दिस सिचुएशन कि कैसे करेंगे, दो दो बच्चे, ज़्यादा तो बड़ी जीवा भी नहीं हुई, हमें थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए था। तो हमने सोचा कि लेट्स गो टू आवर डॉक्टर, जो भी वो बोलेंगी, जो वो सजेस्ट करेंगी, और मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो इस वजह से जो भी वो बोलेंगी तो हम उसी तरीके से हम चलेंगे। तो हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। हम लोग एक्चुअली उस समय गुड़गांव में थे, तो हमें पहले तो सर्च करना पड़ा, फिर मैंने अपने नेबर से पूछा, एक दो जो अच्छे रिसेंटली जिन्होंने बेबी डिलीवर किया, तो उन्होंने जो सजेस्ट किया डॉक्टर, हम उनके पास गए। एंड शी वॉज लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं, दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। मैं तो बोलूंगी कि दोनों बच्चे एक साथ पलेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा, आप एक साथ ही दोनों बच्चों के साथ निपट जाओगे, लाइक एक साथ ही दोनों बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो यू विल बी फ्री जल्दी जल्दी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको बस थोड़ा ब्रेस्ट फीड कम करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसे मैं फीड कराती थी तो बहुत बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, एंड उसको गोदी भी उठाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा गोदी भी करती थी, तो थोड़ा सा ये सब कम करना पड़ेगा। तो वी वर लाइक ठीक है। फिर उस समय लाइक 4 वीक्स ही हुआ होगा, क्योंकि पीरियड्स 1 महीने के बाद जो 4 वीक्स ही हुआ था, 7 वीक के बाद अर्ली प्रेगनेंसी वाला टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, हार्ट बीट वगैरह चेक करेंगे। सो वी केम बैक होम, जो मेडिसिन दिया था, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ करवा लिया, एंड सब कुछ नॉर्मल आया, एवरीथिंग वॉज फाइन। देन आफ्टर 7 वीक्स वी वेंट, और वहाँ पे मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे रेफर किया गया। एक्चुअली जीवा के टाइम पे हमारे जो हॉस्पिटल है ना, उसी में अल्ट्रासाउंड हो जाता था, तो कहीं अलग अलग नहीं जाना पड़ता था, पर दिस टाइम डॉक्टर अलग थे, बैठते थे, फिर दे टेक यू टू द दूसरे अल्ट्रासाउंड वाली जगह जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता था।
तो वहां पे फिर अल्ट्रासाउंड के लिए गई। तो वहां पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने लिखा था अर्ली प्रेगनेंसी, स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड चेकिंग मी फॉर सेकेंड स्टेज प्रेगनेंसी। बोलती नहीं है, बॉडी में कुछ नहीं है, हार्ट बीट नहीं है। सबसे पहला वो मुझे डर लगा, आई वॉज लाइंग और इस समय इंटरनल चेक करते हैं एंड इंस्टेड वो इंटरनल चेक करने की जगह वो मेरे पेट पे वो चेक कर रहे थे, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी अगर आप लोग जानते हैं तो इंटरनली चेक किया जाता है, क्योंकि बेबी इतना छोटा होता है, एक सैक के फॉर्म में होता है कि ऊपर से पता नहीं चलेगा, उसको आपको अंदर मशीन डाल के ही चेक करना होता है। तो मैं वही पूछ रही, मेरा तो जीवा के साथ हो चुका है तो आई नो बेटर, कि मैं जानती हूँ ऊपर से क्यों चेक कर रहे हैं। देन फिर उन्होंने फिर बाद में रियलाइज किया ओ इसका अर्ली प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहला मुझे वहां डर लगवा दिया इन लोगों ने। तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनली चेक किया एंड हार्ट बीट आ चुकी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। इवन मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड एंड बेबी को भी बुलाना है अंदर, तो उसको भी उनको भी बुलाया गया, उन्होंने भी देखा बहुत अच्छा। इवन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, हमने पूरा व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था हिम्मत करके, रिकॉर्डिंग भी की थी हमने पूछ के, तो उन्होंने अलाउ किया था तो वी रिकॉर्डेड। फिर हार्ट बीट आ चुकी थी, फिर हम लोग घर आ गए हैप्पीली कि चलो भगवान ने दिया है तो दोनों बच्चे एक साथ पलेंगे, वी विल मैनेज। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर जीवा को धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड छुड़ाने लगी थी। एंड वो जो स्टेज होता है ना, एक साल सवा साल के पास जो बच्चे होते हैं ना, थोड़े ना वो खाना खा भी लेते फिर भी दे वॉन्ट कि मम्मा का थोड़ा मिल जाए, दूध मिल जाए। अगर रोज ने मुझे बैठे हुए देख लिया तो उसको दूध चाहिए, दूध चाहिए, वो हमेशा मांगते रहते। तो फिर धीरे धीरे फिर हमने एक वीकेंड डिसाइड किया कि नहीं अभी अर्णब ही उसे सुलाएंगे, क्योंकि सोने समय उसे चाहिए होता था। तो 2 या 3 दिन हमने लगातार उसको बिना फीड, वो रोती थी थोड़ा, हम उसे इधर उधर कुछ और दे देते थे खाने को या कुछ और उसका मन फैला देते थे, अर्णब सुलाते थे। तो 2 दिन, क्योंकि सैटरडे संडे अर्णब घर पर रहते रात में भी, क्योंकि बाकी दिन वो नाइट शिफ्ट करते, तो 2 दिन में ही उसने 3rd डे मांगना बंद कर दिया एंड ब्रेस्ट फीड छूट गया। फिर था उस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा था, तो दुर्गा पूजा आया था। तो दुर्गा पूजा के आई थिंक हम 9वें दिन हम लोग घूमने गए थे, तो इसका भी मैंने ब्लॉग डाला होगा अगर आप मेरे 2021 के ब्लॉग देखेंगे। तो मस्त गए घूमने, घूमे फिरे, और उस समय थोड़ा कोविड का रिस्ट्रिक्शन था तो लाइन से सब कोई गए घूम के। वहाँ पे सीआर पार्क गए थे दिल्ली में, जो सीआर पार्क है वहाँ पे दर्शन किया माता के एंड सारा खाना पीना वापस स्टॉल वगैरह में खा के हम लोग घर वापस आए। एंड इट वाज लाइक रात के 10-11 बज चुके थे। देन मैं वॉशरूम गई चेंज करने के लिए, देन आई स्पॉटेड ब्लड। तो रात के 11 बज चुके थे, तो मैंने बोला अभी क्या करें, तो मैंने फटाफट पहले अर्णब को बताया, फिर हमने कॉल लगाया डॉक्टर को। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आपका बहुत इमीडिएट प्रेगनेंसी है तो कोई बात नहीं। उन्होंने 2-3 मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, तो वो हमने इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑर्डर किया एंड हमने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया एंड लिटरली 4 दिन पर दिन वो ब्लड बढ़ता ही जा रहा था। मेरा फ्लो है मीडियम फ्लो है, जो नॉर्मल पीरियड्स में फ्लो है, तो उसी तरीके से मुझे 2 से 3 पैड दिन में चेंज करने पड़ रहे थे। तो कैन यू इमेजिन कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की इतना ब्लीडिंग इज नॉट अ गुड साइन। बट मैंने सोचा कि डॉक्टर मुझे बुलाएगी, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, उन्होंने मेडिसिन दिया एंड मैंने इवन हम लोग का क्या होता है बेस्ट फ्रेंड हर चीज गूगल, तो गूगल में हाँ ऐसा हो जाता है कुछ परसेंट लेडीज को, 1% लेडीज को होता है, इट्स नॉर्मल, ठीक हो जाएगा। एंड डेली मैं जब भी वॉशरूम से आती थी तो अर्णब को बताती थी आज फ्लो शायद कम हो गया है, आज फ्लो थोड़ा बढ़ गया, आज फ्लो कम हो गया। एंड फिर 2-3 दिन ऐसा चलता ही रहा, तो फिर से मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने एक हैवी डोज फिर से मुझे बोला एंड इवन उन्होंने तब भी मुझे बुलाया नहीं अपने पास कि हाँ तुम आओ, इवन मेरे को तुम्हें फिजिकली चेक करना है। तो उन्होंने मेडिसिन लिखा, मैंने फिर हमने मेडिसिन मंगवा लिया, खाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करते करते लाइक 6-7 डेज हो चुके थे एंड मेरे ब्लीडिंग नॉर्मली वैसे जैसे पीरियड टाइप की ब्लीडिंग है वैसे ही चल रहा था। एंड एक दिन मिडल ऑफ द वीक था वो, अर्णब वॉज इन हिज ऑफिस, रात का टाइम था, तो जीवा उस समय 9:30-10 बजे तक सोती थी। उस दिन जीवा भी बहुत परेशान करी थी और मुझे भी पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने जीवा को खाना खिलाया और मुझे भी खाना खाने का मन नहीं करता, तो मैंने कुछ ऐसे घर में वो एपिडर्मिक का शेक वगैरह कुछ पड़ा था, तो ये सब मैंने लिक्विड ही खाया कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खाना भी जरूरी, खाना भी नहीं छोड़ सकती,
तो ऐसे खाके, मेडिसिन खाके, मैं हमेशा क्या होता था ना, जीवा को सुला के थोड़ा एडिटिंग करती थी। 10 साढ़े 10 तक अगर जीवा सो गई तो उसके बाद मैं एडिटिंग करती थी। तो मैंने वही जीवा को सुलाने गई, पेट तो दर्द तो हो ही रहा था, बट उसको सुलाते तो सुलाते मुझे भी नींद लग गई। तो आधा पौने घंटे के बाद जब मेरी नींद खुली एकदम से कि फिर मुझे ऐसे दर्द महसूस हुआ, फिर मैंने बोला वॉशरूम जाती हूँ। तो वॉशरूम जैसे ही गई तो एक बड़ा सा ब्लड का क्लॉट है पॉट पे गिर गया। एंड आई गॉट पैनिक्ड कि मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, जीवा सो रही थी तब। इमिडिएटली फिर मैंने अर्णब को कॉल लगाया, एंड लकली कॉल उठा भी लिया, नहीं तो अर्णब हमेशा मीटिंग वगैरह में होते वो कॉल भी नहीं उठाते। तो वो लंच कर रहे थे तभी, तो उन्होंने लंच वगैरह सब छोड़ा और हमने डॉक्टर को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो शी सेड कि आप आ जाओ जल्दी से। तो 12 साढ़े 12 तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, डॉक्टर अवेलेबल थी, आ चुकी थी अपने चैम्बर में। फिर मैम ने मुझे बेड पे लेटा एंड मुझे चेक किया, फिर मैम बोली आ जाओ। फिर हम लोग अपने मैम के टेबल के वहां बैठे थे, फिर मैम ने बोला कि सॉरी सॉरी वी हैव मिस्ड द बेबी। तो घर से ही मुझे एक बार को तो लग ही गया था, लाइक, पर फिर भी एक डॉक्टर के मुंह से सुनना एक चीज अलग हो जाती है, बिकॉज इतना ब्लीडिंग होना वैसे भी गुड साइन तो था नहीं। 1 वीक से ऐसा हो रहा था। फिर देर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस फॉर गुड 10-15 मिनट्स। और गेस व्हाट, की जीवा भी जब हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे ना, वो जगी थी। वो सोई कितना देर थी, आई थिंक 1-1.5 घंटा वो सारा टाइम जगी रही, हमको देखती रही। ऐसा लग ही नहीं था कि हमारे साथ छोटा बच्चा है, शांत। आई थिंक उसको भी फील हुआ होगा। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा थोड़ी देर बाद कि आपको डीएनसी कराना पड़ेगा। वो होता है एक प्रोसेस जिससे आपका यूट्रस पूरा क्लीन किया जाता है, जो भी ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो भी है, ताकि थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, सब चीज़ अच्छे से क्लीन किया जाएगा। तो पूछा फिर मुझसे, कुछ खाया था आपने? तो मैंने बोला हाँ, मैंने तो शेक पिया था। डीएनसी के लिए भी एनेस्थीजिया दिया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए, लाइक 8 to 10 आवर्स की आपने कुछ ना खाया हो। तो फिर उन्होंने हमें रूम अलॉट किया, फिर हम लोग रूम पे गए एंड मुझे ड्रिप लगाया था। लेडी रही, फिर सुबह के 6 बजे मेरा डीएनसी होने के लिए गया। फिर जब मैं डीएनसी के लिए अपने ऑपरेशन थिएटर में पहुंची, तो उन्होंने जस्ट एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने मुझसे मेरा नाम पूछा एंड इंजेक्शन लगाया, एंड देन सब कुछ ब्लैंक, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं याद है उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया जब जीवा के टाइम पे दिया था, सी सेक्शन के टाइम पे, तो आई कुड फील, आई कैन थिंक, आई कैन सी सामने क्या हो रहा है, सब कुछ हो सकता है। माई माइंड वॉज वर्किंग, बट दिस टाइम आई वॉज लाइक पूरी बेहोश हो गई थी, कुछ नहीं पता। फिर आई थिंक 1 घंटे के बाद मेरी नींद खुली, तब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके जाया जा रहा था। तो तब तक डीएनसी हो चुका था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको 1-2 दिन का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, या फिर आप ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ना लीजिएगा, इधर उधर मत जाइए अकेले, और थोड़ी थोड़ी अभी जो बचे खुचे जो ब्लड है ना वो भी निकलेगा, तो पैड आपको अभी लगाना पड़ेगा जब तक आपका फुल क्लीन ना हो जाए। तो उसके बाद लाइक 7 o'clock तक मेरे डीएनसी हो चुका था, तो 10-10:30 तक मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया था। फिर मैं हम घर आ गए, फिर थोड़ी देर में लेटा, फिर एक छोटा बच्चा जिसके पास है, और हमने एक्चुअली किसी को बताया भी नहीं था ना घर पे फोन करके कि अब हो चुका है, जो चीज़ उसको रात में, किसी को बीच रात में किसी की नींद क्यों खराब करनी। फिर जब सुबह ही बताया गया, फिर मेरी मॉम बोल रही थी कि आ जाऊँ। मैंने बोला कोई जरूरत तो नहीं है, अर्णब ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, उनको छुट्टी तो नहीं मिल पाया था। तो फिर मैनेज्ड, फिर जीवा को देख के ही मैंने अपने आप को रिकवर किया कि भाई अपने छोटे बच्चे को जो है मेरे पास उसके लिए तो मुझे खड़ा होना है, क्योंकि सारा टाइम पूरा फुल फुल डे फुल नाइट वो मैं ही उसके पास रहती हूँ। तो उसकी जो भी जरूरत है वो एक्सपेक्ट करती कि मैं ही फुलफिल करूंगी। तो वो पापा के पास उतना नहीं जाती अपनी चीजों के लिए जितना वो मेरे पास आती, तो उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। तो मैं शाम से ही अपना उठ के अपना
जो भी अपना नॉर्मल काम वगैरह स्टार्ट कर दिया था हमने करना, तो बट अभी भी ऐसा लगता है ना कि ये कल की बात है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो उसके साथ, और होना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन जब हो जाता है ना, तो वी फील कि हमारे साथ कोई खड़ा हो जो हमें समझ सकता हो। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो लिटरली मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे थे ना, एंड आई कैन हार्डली फाइंड अ इंडियन यूट्यूबर टॉकिंग अबाउट दिस। बहुत ही रेयर, 4-5 वीडियो ही होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत लेट तो कर दिया है, बट मैंने बोला कि अब बना देना चाहिए। आज भी इवन मैं बैठने से पहले सोच रही थी कि छोड़ देती हूँ, कभी और बनाऊंगी, कभी और बनाऊंगी। तो ऐसे करते करते ऑलरेडी मैंने मोर देन 1 ईयर निकाल चुका है, बिकॉज मेरा ये 10 वीक्स में हो चुका था। तो ये मेरा अक्टूबर एंडिंग में हुआ था, 10 वीक्स की मेरी प्रेगनेंसी थी। 9th वीक में मेरा क्लॉटिंग स्टार्ट हो गया था और 1 वीक फुल चला था। तो 10th वीक में मेरा मिसकैरेज हुआ था। फिर उसके बाद डॉक्टर जब डिस्चार्ज होने समय भी उन्होंने बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 6 मंथ्स के बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाता है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। और भगवान जो करता है ना, सब सही करता है और अच्छे के लिए ही करता है। मे बी जब बॉडी जब अपने आप ऐसे टर्मिनेट करती है ना प्रेगनेंसी, तो आप मान लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है। वो फ्यूचर में आगे चल के बेबी को प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बॉडी या नेचर अपने आप ही ऐसी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैंने भी यही माना है, इस वजह से मैंने अपने आप को संभाला, हमने अपने आप को संभाला। और थैंक गॉड कि मेरे पास मेरी जीवा तो है, जिसको देख के मैं खुश होती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप इस सिचुएशन में, तो आई विल से कि प्लीज हिम्मत मत हारिए, सब भगवान की मर्जी है, जब सब भगवान के हाथ में है। और हिम्मत रखिएगा, 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने बोला था आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं ये वीडियो एक गुड नोट में फिनिश करना चाहती हूँ कि यस, आफ्टर 8 मंथ्स आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड बेबी। तो प्लीज आप लोग भी हिम्मत मत हारिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा आफ्टर 6 मंथ्स, या जब आपका मन पक्का हो जाए, आप कॉन्फिडेंट फील करें, आप अपने आप को स्ट्रांग बना ले, तब ट्राई करिएगा। आफ्टर 8 मंथ्स वी डिसाइडेड टू हैव आवर सेकेंड बेबी। सो आई एम इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, अपना सारा जर्नी, कुछ कुछ चीज़ें जो मेरी आई थिंक सेकेंड प्रेगनेंसी जो हुई थी मिसकैरेज, उसकी वजह से मुझे इश्यू आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं अपना सेकेंड वीडियो बनाऊंगी। तब तो उसमें हर डिटेल्स मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भी रिसेंटली मुझे अपने अर्ली प्रेगनेंसी का सेकेंड टाइम मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे हर चीज़ सेकेंड टाइम करानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो इन सब बहुत चीज़ें बात करने के लिए, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, आई कैन सी। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये वीडियो किस तरीके से एंड करूँ। सो गाइस, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।